दोस्तों अगर आप भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आपको भी बहुत सारा फाइल या फिर एक्सेल शीट में जो दिए गए डॉक्यूमेंट होते हैं उसको आपको डिजिटली टाइप करके एक एक करके एंट्री करना पड़ता है और आपको भी बहुत सारा काम करना पड़ता है और आप भी परेशान हैं कि एक बढ़िया सा जुगाड़ मिल जाए जिसकी मदद से एक मिनट में बस आप अपनी सारी पीडीएफ फाइल को बस आपको एक क्लिक करना है और सारा आपका जो टेक्स्ट है वो पीडीएफ फाइल से कन्वर्टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइज आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम हमेशा करते हैं या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के किसी भी लेवल का काम हो। अगर आप डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं अपने हाथों से टाइप करके तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जैसा कि गाइज हमारे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके का इमेज था, इसको मैंने एक क्लिक में बस देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का टेक्स्ट में मैंने कन्वर्ट कर चुका हूँ और देख सकते हैं सेम ही यहाँ पर फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और इसको हमें एक एक करके चेंज भी कर सकते हैं। यह मैंने कैसे किया चलिए आप लोगों को बताते हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आपको ये लाइक जरूर कर देना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोगों के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। आपका किसी भी वर्जन हो 2013 हो 2007 हो या फिर 2016 हो, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है वन नोट। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं वन नोट आ चुका है। जब आप वन नोट को ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। अगर आप यहां से नया क्रिएट करना चाहें तो आप न्यू पर क्लिक करके यहां से आप ब्राउज या फिर डेस्कटॉप करके जहां भी आपका फाइल हो वहां से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज जब गाइज आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का ब्लैंक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल की कैमरा से इसके क्लिक किया है। आप इसको चाहे तो प्रिंटर से भी स्कैन कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल फोन की कैमरा का यूज करके जैसा कि मैंने अपना यहाँ पर देख सकते हैं किया है, एक फोटो सिंपल क्लिक किया और इसको मैंने अपने कंप्यूटर में यहाँ पर डाल दिया हूँ केवल डेटा से। सबसे पहले गाइज इस डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और इस तरीके से थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि ये पूरा टेक्स्ट कवर हो जाए। इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर देख सकते हैं वन नोट ओपन होगा, तो इसको एक बार ओपन करना है और यहाँ पर आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको दिया गया है स्क्रीन क्लिपिंग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है उस पर आ जाएगी ऑटोमेटिक से और इस तरीके से प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा। तो आपको इस प्लस को एक बार माउस को आपको राइट बटन को क्लिक करना है और क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करना है। जितने एरिया में आपका टेक्स्ट है उतने को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इसको छोड़ दीजिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपका टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और इसको साइड में करने के लिए एक दो बार इसको डबल क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप ड्रैग करके साइड में क्लिक कर दीजिए। अब गाइस करना यह है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर अब ब्लैंक स्पेस जो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आपको आना है और एक बार राइट क्लिक करना है फिर से और यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट ऑप्शन में आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है कीप टेक्स्ट ओनली टी, तो इस वाले ऑप्शन को एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही गाइस क्लिक करेंगे तो आपका जो देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल से जो टेक्स्ट मैंने इमेजेस में लिया था वो यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसको ऊपर अलाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इसको ड्रैग कीजिए, तो देख सकते हैं इसको चलिए हम रिमूव कर देते हैं शायद। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जितने भी यहाँ पर पीडीएफ में इमेजेस में टेक्स्ट था वो टेक्स्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। वैसे अगर आप इस तरीके का टेक्स्ट वाला इमेज है तो आप इस पर क्लिक करके कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर है कि आप इसको कहीं भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको टेक्स्ट को चेंज कर पाएंगे और देख सकते हैं सेम ही टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने के यूजिंग और लास्ट में देखिए यू कैन है तो यहाँ पर भी यू कैन।
इसी तरीके से आपको एक बार देख लेना है सारे टेक्स्ट को। हो सकता है गाइज कि आपका जहाँ पर लाइट कम होगा ना वहां पर आपका एक आध वर्ड जो है आपका मिस्टेक हो जाए, यानी कि वर्ड में करेक्शन आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा धुंधला सा था माई कंप्यूटर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एम वी सी ओ एम पी वाई टी सी आर यहाँ पर टाइप हो गया है। तो इस तरीके का एक आध मिस्टेक हो जाता है क्योंकि गाइज ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है, इसीलिए आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। वैसे मैंने पूरा चेक किया था, कहीं भी मिस्टेक नहीं है, बस यहाँ पर एम वी कंप्यूटर के जगह पे माई कंप्यूटर के जगह पे ये टाइप हो चुका है गलत। तो आप इसको एक बार करेक्शन कर लीजिए, और यहाँ पर भी एक बार करेक्शन करना है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ही टाइप गलत किया है। एन अदर का मीनिंग जो है यहाँ पर ए एन ओ होगा, तो देख सकते हैं ये सही हो गया और यहाँ पर बटन होगा। तो इस तरीके का एक आध जो वर्ड है वो आपका करेक्शन हो सकता है, आप उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अब आप सीख गए होंगे किसी भी इमेज पीडीएफ फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।